बहुत साहब आपको मुबारक हो सर। आप कैसा फील कर रहे हैं? भाई साहब आ गए हैं, पूरी कौम की पता है, हम सब लाला जी खुश है, चलो गाड़ी अंदर जा रहा है जी। पर साहब आप कैसा फील कर रहे हैं? चलो करो करो आ गया। और फिर अदालतों से हमने ना सिर्फ दो मुकदमा, जो एक FIR थी जिसमें आज मुकदमा कायम हुआ, ये 29 अगस्त को दर्ज हुई, और फिर एक FIR जो है वो 4 सितंबर को हुई जिसमें 324 सेक्शन डाला गया, और बाद में एक गलत एक्टिविज्म की वजह से वो भाई साहब जब बाहर आ गए थे, लेकिन फिर उन्हें एक गलत एक्टिविज्म की वजह से अंदर जाना पड़ा, उस पर और 2-3 120 PPC की दफ़ा जो है वो भी ऐड कर दी गई, जो कि इंतहाई तकलीफ दे थी। फिर उसके बाद जब हमने देखा कि हालात इंतहाई तकलीफ हैं, फिर हमने माइनॉरिटी अलायंस पाकिस्तान ने और बाकी जो नेशनल माइनॉरिटी अलायंस पाकिस्तान है और बाकी फैसलाबाद की तमाम चर्चेज ने, तमाम हमारे जो पास्टर्स हैं, यंग पास्टर्स ने, हमने मिल के एक मीटिंग का अहतमाम किया और हमने एक बहुत बड़ा धरना ज़िला काउंसिल चौक में दिया। और लास्ट सैटरडे जब पादरी साहब की जमानत थी अंदर, तो बाहर सैकड़ों लोग जो थे वो धरना दिए बैठे थे, दुआ कर रहे थे। तो खुदावन ने हमें फतह नसीब की और थैंक्स गॉड के उस मेहनत की बदौलत पादरी साहब की पहले केस में जमानत हुई, फिर एक और केस में उन्होंने पादरी साहब को जुडिशल कर दिया जिसकी जमानत आज लगी हुई थी, कल हमने जमानत फाइल की थी, तो आज उसकी आर्गूमेंट हुई और खुदावन ने हमें फतह दी। मैं तमाम कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनी तौर पे हम कुछ भी नहीं कर सकते थे अगर कौम की दुआएं ना होती, अगर आपका साथ ना होता, आप जैसे वफादार लोग ना होते, तो शायद ये काम नामुमकिन था हमारे लिए, लेकिन खुदावन ने सब मुमकिन बनाया और खुदावन ने अपने बंदों के बहुत आमीन। मैं सबसे पहले नेशनल टीम का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया, तो मैं बहुत